संसार में सो हम रहे थे परमाणु आकार, परमाणु आकार देखो यानी बोले एक आवर्त में, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार छोटा होता है। क्योंकि बढ़ती होती है जिससे प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश, नाभिक आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है तथा बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, के कारण प्रबल आकर्षण बनता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है जिसके कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर परमाणु आकार, परमाणु आकार जाता है, छोटा होता है। मेरे अंश लिखोगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर, नीचे की तरफ चलने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर एक कोश की वृद्धि होती है, एक कोश की वृद्धि होती है तथा प्रभावी नाभिक का समान था, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होता है। मान घटता है अतः है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलने पर, चलने पर ऊपर से नीचे करते परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है, ये हो गया। अब इस बात को सुन लो, देखो
फेल लेना निकालो किसी फ्रांस ये ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या है ब्लड और ये इधर चलते हैं ये क्या है और है अब देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 सोडियम का क्या है 11 पोटेशियम का 19 इसका 12 13 14 ये परमाणु क्रमांक अब देखो लिथियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये इसका परमाणु का कितना है कि 2 कोष के बराबर है ये का परमाणु का आकार अब सोडियम देखो ये तो था लिथियम 3 नंबर पर सोडियम आता है 11 नंबर पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक पहले कोष में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 1 तो परमाणु आकार बढ़ाने का ऊपर से नीचे की तरफ चलते तो परमाणु आकार बढ़ता है अब देखो ये 11 लिथियम और एल्युमिनियम का देखो 13 दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 8 और इसमें क्या आता है 3 आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये अकेला इलेक्ट्रॉन है तो इसको ज्यादा जगह मिलती है इसको क्या मिलती है कम जगह मिलती है इसके कारण इसका परमाणु आकार क्या हो जाता है छोटा हो जाता है ये बात मैंने बताई है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है परमाणु त्रिज्या देखो परमाणु त्रिज्या इसकी जो त्रिमिति है नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं वही बात रहेगी कि परमाणु त्रिज्या की आवर्तनिका होती है छोटी होती है जबकि वर्ग त्रिज्या होती है बड़ी होती है अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं परमाणु त्रिज्या क्या डालते हैं परमाणु त्रिज्या परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी दूरी परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या कहलाती है क्या लिखो ये एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है जिसके कारण कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर
आकर्षण बल, आकर्षण बल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या परमाणु मान घट जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो वर्ग में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर एक फोर्स की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा प्रभावी नाती क्या उसका मान्य पड़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ होने पर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। त्रिज्या का मान है परमाणु के ज्यादा मान है घटता है। उतार दो आपने ग्रहण करता है अथवा त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। तो आयन का निर्माण होता है। तो आयन का कब है निर्माण होता है। आयन की त्रिज्या को ही आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहते हैं। सोडियम है, सोडियम परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। क्या होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11। देखो और की तरफ देखो परमाणु क्रमांक कितना 11। नाभिक पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। कौन सा परमाणु है सोडियम परमाणु है। क्या है सोडियम परमाणु। इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनेगा नाभिक 2 और ये 8। क्या बनेगा सोडियम प्लस यानी क्या हो गया
ये कौन सी त्रिज्या है? आयनिक त्रिज्या है। क्या है? आयनिक त्रिज्या। और इसकी ये दूरी यहां से यहां तक, ये क्या है? परमाणु त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या है? आयनिक त्रिज्या। और ये कौन सी है? परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या। आगे बात सुनोगे इसकी। तो आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन क्या? परमाणु हुआ, परमाणु। इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करता है, धन आयन का निर्माण करता है। जब धन आयन का निर्माण होता है, जब धन आयन का निर्माण होता है, निर्माण होता है तो परमाणु का बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है, बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है और प्रभावी नाभिक से आविष्कार मान करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान पड़ता है। अतः धनायन का आकार, धनायन परमाणु का आकार या धनायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव छोटा होता है। उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ऋण आयन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तथा प्रभावी नाभिक की आविष्कार मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। अतः ऋण आयन का आकार, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव बड़ा होता है। उदासीन परमाणु से सदैव बड़ा होता है। उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है,
इसके बाद सरलता वो अपन कल पढ़ेंगे, जितना लिखा है वो याद करना है।